हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। तो ये हमारा पार्ट नंबर वन रहेगा जिसमें हम पहले 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आईआईटी जैम 2018 पार्ट नंबर वन फर्स्ट 10 एमसीक्यूज। तो भाई जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आपको कार्बाइड्स पढ़ाए जाते हैं तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, या फिर ये आपको हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक हाइड्रोकार्बन को बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होता है ये। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या मिलेगा। देखिए भाई सबसे पहले बात तो अगर मैं आपको पढ़ाऊं कि कार्बाइड्स कितने टाइप के होते हैं, कार्बाइड्स कितने टाइप के होते हैं भाई, तो कार्बाइड्स मेनली हमारे पास भाई आयोनिक कार्बाइड्स होते हैं, उसके बाद कोवलेंट कार्बाइड्स होते हैं, एंड उसके बाद आपका जो है इंटरस्टीशियल कार्बाइड्स भी होते हैं। तो मेनली हमें तीन टाइप्स के कार्बाइड्स के बारे में, इंटरस्टीशियल कार्बाइड, तीन टाइप्स के कार्बाइड होते हैं। तो ये जो आयोनिक कार्बाइड्स होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले टाइप के होते हैं मिथेनाइड्स टाइप के, मिथेनाइड्स टाइप के, ठीक है। सेकेंड जो होते हैं वो एसिटलाइड्स टाइप के होते हैं, एंड थर्ड जो होते हैं बेसिकली वो मिथाइल अलाइलाइड्स टाइप के होते हैं, मिथाइल अलाइलाइड्स टाइप के होते हैं, ठीक है। कोवलेंट कार्बाइड का एक एग्जांपल बता देता हूं भाई आपको, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है बेसिकली वो कोवलेंट कार्बाइड होता है, एंड इंटरस्टीशियल कार्बाइड्स जनरली डी ब्लॉक की मेटल्स बनाती हैं। तो देखिए भाई ये जो एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है इसका फॉर्मूला होता है Al4NC3, दिस इज एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो ये भाई आपका मिथेनाइड्स होता है, ये आपका मिथेनाइड्स टाइप का कार्बाइड होता है। आयोनिक कार्बाइड तो होता है, आयोनिक कार्बाइड में भी मिथेनाइड्स होता है। ये मिथेनाइड्स इनका नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मीथेन गैस रिलीज करते हैं। जब आप एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मीथेन गैस रिलीज करेंगे। इनमें भाई जो कार्बाइड्स होता है वो C4, C के ऊपर 4 नेगेटिव होता है, ये भी खास बात यहाँ पे देखने को मिलती है आपका इस टाइप के कार्बाइड्स के अंदर, ठीक है। एसिटलाइड्स एसिटिलीन गैस को रिलीज करते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आपका CaC2, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो आप जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिटिलीन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अब आपके सामने ही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये Al4NC3 है, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगी जी, मिथेन गैस रिलीज मिलेगी, मिथेन गैस यहाँ पे रिलीज होने वाली है। साथ में आपका जो यहाँ पे बनेगा दैट इज AlOH3, एल्यूमिनियम का ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो भाई हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, कि ये मिथेन गैस रिलीज होगी क्योंकि ये मिथेनाइड्स टाइप का कार्बाइड होता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, कोर्स में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ ये टॉपिक, तो वहां से इसको थोड़ा और अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं जी सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 में, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्राइड 2019 एंड 20, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस टाइप का एंजाइम है। देखिए बेसिकली दिस इज हाइड्रोलिसिस एंजाइम, बिल्कुल बोलेंगे इसको क्यों। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, CO2 का हाइड्रोलिसिस करके उसको किस में के अंदर कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम करता रहता है भाई, ये काम करता रहता है, इसलिए आप इसको हाइड्रोलिसिस एंजाइम बोल सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई, हालांकि मैंने पहले भी बताई होगी, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो यहाँ पे OH लगा होता है, यहाँ पे 3 हिस्टाडीन यूनिट लगी होती है, इसके अंदर जिंक मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है भाई, ठीक है। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन एच पॉजिटिव के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर CO2 के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो बिल्कुल भाई ये हाइड्रोलिसिस एंजाइम होगा, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये रिलेट करता था, ठीक है। रेडॉक्स एंजाइम नहीं है, O2 का ट्रांसपोर्ट ये नहीं करता, O2 का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, O2 को स्टोर करके रखता है मायोग्लोबिन। हेमेप्रोटीन ये नहीं है, ये प्रोटीन ही नहीं है, ये बेसिकली आपका एंजाइम है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 15
ट्राइफ्लोराइड्स। देखिए भाई, हमें ये पता है जब भी हम डाउन द ग्रुप जाने जाते हैं, कोई भी ग्रुप रहा हो, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। अगर मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा तो जनरली बेसिकली उसके अंदर आयोनिक करैक्टर जैसी पॉसिबिलिटीज आएंगी, तो भाई इनके डाउन द ग्रुप जाने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। दूसरा रीजन ये भी दिया जा सकता है, डाउन द ग्रुप जाने से वेट बढ़ता है, अगर वेट बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। तो इसलिए इसका रीजन जो आएगा यहाँ पे, दीज आर ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से आते हैं भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो जो बिस्मिथ का फ्लोराइड होगा उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद ये रहा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। भाई देखिए, 2018 का जो पेपर या उससे पहले का 17 का 16 का, ये काफी इजी पैटर्न के होते थे। 19 थोड़ा सा एडवांस बनाया गया, 20 और ज्यादा एडवांस बनाया गया, 21 और ज्यादा एडवांस बनाया गया, 22 देखेंगे कि कैसा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इजी ही क्वेश्चन आते थे 2018 में, तो बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिस एनर्जी से रिलेटेड है, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाई जाती है आपको। NaF, KF, MgO, this crystalline solid, they have NaCl-like structure. Lattice energy बताइए। तो स्टूडेंट, lattice energy का सीधा सा फॉर्मूला या कंसेप्ट होता है, lattice energy is directly proportional to charge on ions, जो ions है उसके charge के, and inversely proportional to size of ions, size of ions, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए, अब charge यहाँ पे dominating factor होता है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि चार्ज यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। अब भाई हमारे पास पहले ये दो मॉलिक्यूल आ गए, एक NaF और एक KF। तो साफ देखिए भाई, फ्लोरीन तो कॉमन हो गया दोनों में, चार्ज Na के ऊपर भी एक पॉजिटिव, K के ऊपर भी एक पॉजिटिव, चार्ज तो सेम है। अब भाई पोटासियम का साइज बड़ा होता है, अगर साइज बड़ा तो लैटिस एनर्जी कम, तो NaF और KF में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, NaF की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखिए ऐसा कहां कहां दिखाया गया है, इस ऑप्शन में ये बोल रहे हैं कि KF की ज्यादा होगी, NaF से हटा दो, यहाँ पे ठीक है ये बात सही है, सी ऑप्शन भी हटा दो, ये कह रहे हैं कि KF की ज्यादा होगी, यानी कि आंसर आपका आएगा बी और डी में से। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे MgO, एक MgO है और एक CaO है, तो सेम कहानी है यहाँ पे भी, दोनों के ऊपर O तो कॉमन है, तो यहाँ पे भी Mg2 पॉजिटिव, वो भी Ca2 पॉजिटिव, बट कैल्शियम का साइज बड़ा होता है इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जहां पे ये दे रखा हो, दोनों में ही ये बात बोल रखी है। अब भाई इसका कंपैरिजन कर लीजिए NaF एंड MgO का, भाई NaF और MgO में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी MgO की, क्यों, उसके पीछे रीजन ये है कि इसका चार्ज ज्यादा है, यहां पे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बट यहां पे दो पॉजिटिव और दो ही नेगेटिव है, मतलब यहां पे चार्ज ज्यादा है, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, भाई MgO चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर भी होता है, उसके बाद CaO, उसके बाद NaF, KF की लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यस, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेंजाइन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, जैम 2019 में भी क्वेश्चन आया था बेंजाइन इंटरमीडिएट का, क्वेश्चन नंबर जो है 29 नंबर क्वेश्चन था जैम के एग्जाम का। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है कि ये आपका होता एलिमिनेशन देन एडिशन। ठीक है, तो NaNH2 रहा, तो भाई ये जो लगा हुआ क्लोरीन, अब यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो पक्का ही अल्फा हाइड्रोजन कहां से निकलेगा भाई, पक्का ही इसमें सबसे पहला स्टेप होगा यहां से ये नेगेटिव। ठीक है, सॉरी गलत बना दिया मैंने, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ये यहां से निकलेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा यहां से, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, अब ये यहां पे अटैक करेगा और क्लोरीन यहां से लीव करेगा, तो भाई यहां पे बनता है बेंजाइन इंटरमीडिएट कुछ इस प्रकार से, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब ये वाला स्टेप था एलिमिनेशन का स्टेप, अब होगा एडिशन, अब कौन एडिशन करेगा भाई, ये NaNH2 था यहां पे प्रेजेंट था, ये भी एसिडिक प्रोटॉन था, यहां से निकलेगा, तो जैसे ही देखेगा ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, और ये आपका Cl, तो यहां पे नेगेटिव आएगा स्टूडेंट। अब ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा इसके ऊपर यहां पे, है ना, पांच मेंबर की रिंग यहां पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पे ब्रेक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा यहां पे 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो देख लो भाई,
पांच मेंबर की रिंग और जहां पे सीएन लगाओ सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में ही अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ सी में। देखिए दोबारा से देखिएगा स्टूडेंट क्या किया है हमने, चलो मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके समझ में भी आ गया होगा बहुत सारे बच्चों को। तो देखिए ये क्लोरीन है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है आपका सीएन, ठीक है, तो ये सीएन लगाया हुआ है। तो यार सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा इस बात को आप यहाँ पे कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो प्रोटोन है ये जाएगा यहाँ से, ये वाला अटैक यहाँ पे करेगा और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। इस स्टेप को हम एलिमिनेशन स्टेप भी बोलते हैं, इस स्टेप को हम एलिमिनेशन स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एसिडिक प्रोटोन निकलेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये फाइनली यहाँ पे एच नेगेटिव, इसको वापस से प्रोटोन मिल जाएगा और हमारी पांच मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आएगा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन आपका जीओसी से है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, है ना। तो ये कह रहा है द कंपाउंड दैट कंटेन्स मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, किसके पास मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। देखिए स्टूडेंट मैंने आपको एसिडिटी के लिए ऑलरेडी ये बातें बताई हुई है भाई, अगर कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे क्या किया करो, वहां से आप एक उसको निकाल के कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। तो एक ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, दूसरा कौन सा कॉन्जुगेट बेस बनेगा भाई आपका, ये वाला बनेगा, और कौन कौन से बन सकते हैं, दिस इज एलीन सिस्टम और वो वाला। अब भाई आपको एक बात पढ़ाई जाती है कि दीज आर एक ही मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो लेकिन आप सभी को पता होगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी है यहाँ पे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है और इस वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। तो हमें पता भाई यहाँ पे s करेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इस sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और हमें यह पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए ये वाला जो कार्बन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख पा रहे हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका जो एसिड रहा होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, तो इसलिए उन्होंने मोस्ट एसिडिक पूछा था, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, क्या है द C2 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज ना, जो डी ग्लूकोज है उसका C2 एपिमर बताना है कि क्या होगा। देखिए भाई ग्लूकोज बना लेते हैं, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे आपका CHO होता है, ये OH, ये H होता है, ये H, ये OH होता है, ये भी OH होता है, ये भी OH होता है, H C2OH, दिस इज डी ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज है, इसका C2 एपिमर बनाना है स्टूडेंट। देखिए ये कार्बन नंबर 1 होता है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो अगर आप इसका C2 एपिमर बनाएंगे, C2 एपिमर, तो आप कार्बन नंबर 2 पे पोजीशन चेंज कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप पोजीशन चेंज करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, ये भी OH, ये भी OH है, यहाँ तो था ही ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद दो OH यहाँ पे आ जाएंगे, दो OH यहाँ पे आ जाएंगे, ये CHO ऐसा का ऐसा, ये आपका CH2OH। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, अगर OH यहाँ पे था तो इसको हमने यहाँ भेज दिया इसके अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, होती स्ट्रक्चर डी मैनोज की, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर होती है डी मैनोज की होती है। अगर आपसे पूछा जाए भाई बताओ डी मैनोज का C2 एपिमर क्या होगा, दैट इज डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज का क्या हो गया, डी मैनोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका ए, डी मैनोज इज द करेक्ट आंसर, ए डी मैनोज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, दिस इज रिलेटेड टू बेसिक मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको बतानी भाई। देखिए हमारे पास अगर इस टाइप का फॉर्मूला हो, मान लीजिए यहाँ पे ये माइनस ए से ए लिमिट हो, एफ एक्स हो इंटू में डी एक्स हो, तो इसके लिए हमारे पास भाई डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि भाई ये पता कर लो कि ये एफ एक्स कैसा फंक्शन है, और अगर ये ओड फंक्शन रहा हो, अगर ये एफ एक्स ओड फंक्शन रहा हो तो इस फार्मूले की सीधी वैल्यू आ जाती है जीरो, इस फार्मूले की सीधी वैल्यू आ जाती है जीरो। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये ओड फंक्शन है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं स्टूडेंट, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ये वाली टर्म,
एफ माइनस एक्स पुट कीजिए, अगर वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो पक्का ही जो एफ एक्स फंक्शन होगा ये ओड फंक्शन होता है, और ओड फंक्शन अगर एफ एक्स आ जाएगा तो ये वाला जो फॉर्मूला वो जीरो के इक्वल हो जाता है। तो देखते हैं, पुट करते हैं यहां पे भाई, तो यहां पे आपका एफ एक्स कौन है, यहां पे एक्स इंटू में ए की पावर माइनस टू एक्स का स्केयर, ये हमारा एफ एक्स है। तो यहां पे माइनस एक्स पुट कीजिए स्टूडेंट, तो माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा यहां पे इंटू में e की पावर x की जगह जब आप माइनस x पुट करेंगे x की जगह तो माइनस x का स्क्वायर तो x स्क्वायर आएगा, तो वापिस से यही वाली टर्म आ गई, और ये वाली टर्म क्या है हमारा fx। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि f माइनस x किसके इक्वल आ गया, माइनस fx के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो है हमारा, ये हमारा ओड फंक्शन है। अगर ओड फंक्शन है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला जो है ये किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल। तो सिंपली भाई देखिए ना, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल है भाई, सिंपल फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा था। अगर ये ओड फंक्शन ना होता तो फिर इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता था, ठीक है। हालांकि एग्जामिनर आपसे ज्यादा डीप नहीं पूछना चाह रहा है, बस वो बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है कि ऐसा कुछ आपको पता है या फिर नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ये सॉलिड स्टेट का बहुत ही बेसिक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस आर रिस्पेक्टिवली, भाई कितने टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है और ब्रेवियस सिस्टम ब्रेवियस लैटिस कितनी होती है। देखिए भाई, इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी ट्रिक भी बनाई हुई है, सी टी तो हरि ओम बजाता था, सी टी तो हरि ओम बजाता था। तो भाई हमारे पास 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है एंड 14 टाइप्स की ब्रेवियस लैटिस होती है। मतलब क्या हुआ इसका, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। वैसे एक बार आंसर देखो, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे कैसे भाई, तो यहाँ पे सबसे पहला सी का मतलब होता है जी क्यूबिक सिस्टम से, क्यूबिक क्रिस्टल। टी का मतलब ट्राइगोनल, या इसी को हम रोम्बोहेड्रल के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, ट्राइगोनल को ही हम रोम्बोहेड्रल के नाम से भी जानते हैं। तो का मतलब यहाँ पे होता है जी टेट्रागोनल से, टेट्रागोनल से होता है। हरी का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे आपका हेक्सागोनल से होता है, हरी का मतलब यहाँ पे हेक्सागोनल से होता है। ओ का मतलब यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक से होता है, ओ का मतलब यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक से होता है। एम का मतलब यहाँ पे मोनोक्लिनिक से होता है, एम का मतलब यहाँ पे मोनोक्लिनिक, बजाता कोई मीनिंग नहीं है। और था का मतलब यहाँ पे ट्राइक्लिनिक से होता है, ठीक है। तो ये है जी, तो 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम। अब कहोगे जी 14 टाइप्स का ब्रेवियस लैटिस का क्या फंडा आ गया भाई। देखिए इसमें ऐसे होता है स्टूडेंट, जैसे आप सभी ने पढ़ा हुआ कि जो हमारा क्यूबिक सिस्टम होता है वो 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है। कैसे, एक तो सिंपल क्यूबिक है ना, सिंपल क्यूबिक, उसके बाद वो एफसीसी की फॉर्म में भी पाया जाता है, और उसके बाद वो बीसीसी की फॉर्म में भी पाया जाता है। तो जैसे एक क्यूबिक सिस्टम से ये 3 और निकल आए तो 3 हो गए, ऐसे ऐसे इन सभी का क्या होता है भाई, कोई कोई पर्टिकुलर एक इनमें से चारों ही शो करता है ना, एंड सेंटर्ड भी शो करता है 4। तो ऐसे ऐसे जब आप मिलाओगे इन सभी सिस्टम को तो 14 आएगा आंसर। जैसे ये 3 शो कर रहा है, ट्राइगोनल भी कुछ शो करता है, टेट्रागोनल भी शो करेगा, तो ऐसे जब आप मिलाओगे तो 14 आएगा, और उसी 14 को हम ब्रेवियस लैटिस बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का इजी बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है एंड 14 जो है हमारा ब्रेवियस लैटिस होती है, ठीक है। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए, फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस द प्लॉट रिप्रेजेंट फ्रेंडली आइसोथर्म, ठीक है। तो देखिए, लॉग x बाई एम वर्सेज लॉग p के बीच में ग्राफ बनाया गया है स्टूडेंट। तो हमारे पास ये पता होता है भाई हमें, ये x बाई एम क्या होता है ना, x बाई एम क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट। वैसे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर की पावर 1/n है ना, प्रेशर की पावर 1/n। तो इसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्स्टेंट भी यूज कर लेते हैं, k कॉन्स्टेंट इंटू में p की पावर 1/n हो जाएगा। अब भाई अगर आप दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग x बाई एम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग k प्लस में 1/n लॉग p है ना, तो ये हमारा आ जाएगा। तो देखिए, ये आपका y मान लीजिए आप, ये आपका c प्लस में ये आपका m इंटू में ये आपका x, ठीक है। तो जब आप प्लॉट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे किस किस के बीच में, लॉग x बाई एम एंड यहाँ पे लॉग किसका, प्रेशर का, तो वो क्या आएगा। देखिए भाई, ये हमारा इंटरसेप्ट है ना, ये हमारा इंटरसेप्ट है,
उसके बाद स्लोप हमारा 1 बाई एन जो कि पॉजिटिव है, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। इतना जो है ये क्या हो जाएगा, दैट इज लॉग के, ठीक है। इसका अगर आपसे कोई स्लोप पूछेगा तो स्लोप आ जाएगा 1 बाई एन। तो ये वाला आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आईआईटी एग्जाम 2018 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।